हेलो फ्रेंड्स, फ्री का ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रियल नंबर का पार्ट 3, द फाइनल ऑफ रियल नंबर। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले उसे जाकर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर, वैसे सारे नंबर जिसका स्क्वायर एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है, वैसे नंबर को रियल नंबर कहते हैं। सारे रियल नंबर या तो रैशनल होते हैं या फिर इरैशनल। प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। एक नंबर लाइन पे हर एक रियल नंबर का एक यूनिक पॉइंट है और उसी यूनिक पॉइंट से उस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि 0 का एक पर्टिकुलर यूनिक पॉइंट होता है, उसके बाद 1/2, 1, √2, 2, उसी तरह नेगेटिव में -3, 1/3, -1, -√3, -2 एक्सेट्रा। डेंसिटी प्रॉपर्टी, दो रियल नंबर के बीच इन्फिनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर 0 और 1 के बीच 1/2, उसी तरह 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 इन्फिनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दो रियल नंबर का सम एंड मल्टीप्लीकेशन हमेशा रियल नंबर होता है। एसोसिएटिव लॉ, सभी ए बी सी रियल नंबर के लिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एंड ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। कम्यूटेटिव लॉ, सभी ए बी सी रियल नंबर के लिए ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए और ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन, सभी ए बी सी रियल नंबर के लिए ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी एंड ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव एंड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी,
जीरो एंड वन एक रियल नंबर होता है। सभी रियल नंबर ए के लिए जीरो प्लस ए इक्वल टू ए प्लस जीरो इक्वल टू ए एंड वन इंटू ए इक्वल टू ए इंटू वन इक्वल टू ए एंड सिक्स्थ existence of additive and multiplicative inverse. सभी रियल नंबर ए के लिए देयर इज अ रियल नंबर माइनस ए सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू जीरो एंड ए एंड माइनस ए आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स एंड सभी नॉन जीरो रियल नंबर ए के लिए देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर वन बाय ए सच दैट ए इंटू वन बाय ए इक्वल टू वन बाय ए इंटू ए इक्वल टू वन ए एंड वन बाय ए आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रैशनलाइजेशन, अगर हमें कोई ऐसा नंबर मिले जिसका डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर हो तो उसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस विथ मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ सुइटेबल नंबर ही रैशनलाइजेशन कहलाता है। जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल 3/√5 और 1/3+√5। लेट्स सॉल्व दिस। पहला एग्जांपल 3/√5। चलिए इसको रैशनलाइज करते हैं। पहले इसको रैशनलाइज करने के लिए जितना इसका डिनोमिनेटर है उसी से इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 3√5/5 जो कि 5 एक रैशनल नंबर हो जाता है। चलिए दूसरा एग्जांपल था 1+3+√2। अब जैसे कि यहाँ देख रहे हैं डिनोमिनेटर में दो नंबर हैं जो कि एक रैशनल है और एक इरैशनल नंबर, तो इसमें कैसे करते हैं सॉल्व देखते हैं 1+3+√2। अब यहाँ पे या इसकी तरह डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई किया नहीं जा सकता है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी का, जिसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फॉर्म में हमें इसको लाना है तो इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अगर 3-√2 होगा तो इस फॉर्म पे ये आ जाएगा तो इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 3-√2 तो इसका क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में तो वही हो जाएगा 3-√2 और डिनोमिनेटर में a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है 3√2 दैट इज 3-√2/9-2 दैट इज 3-√2/7। बने रहे हमारे साथ द फाइनल ऑफ रियल नंबर का पार्ट टू के लिए जिसमें हम RH फैक्टर, लॉज ऑफ रेडिकल्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट एक्स ऑन नंबर लाइन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल बटन।